प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव खातर बनारस में दाखिल करो आप नामांकन अठे आखिरी चरण में 1 जून ने वेलू मतदान। जयपुर स्कूल में बमरी धमकी वालो ईमेल भेजो गयो रूसरा सर्वर शू गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह ग्रेडम कहो टेलिकॉम कंपनी के जरिए ईमेल भेजवा वाला रो लगायो जा रो पतो। जयपुर बम ब्लास्ट की बरसी माते सांगानेरी गेटरा पूर्वमुखी हनुमान मंदिर में करो गयो सामूहिक हनुमान चालीसा रो पाठ सगड़ा समाज रा लोग बम धमाका में मारा गया लोगों ने अर्पित कर श्रद्धा सुमन। चाबहार बंदरगाह ने लेर 10 साल रा अनुबंध माते दस्तखतां रे पछे भारत ईरा संचालन रो मिल्यो अधिकार भारत चाबहार बंदरगाह में 37 करोड़ डॉलर रो करेलो निवेश। अर प्रदेश में आठोणा विक्षोभ रा असर शू कई ठोरा माते भी बिरखा अर पड़िया ओला मौसम महकमो आबाला 24 घंटा रे दौरान कोटा जोधपुर और उदयपुर संभाग में बादला गरजबारे सागे बिरखारो जतायो अंदाजो। नमस्कार, दोपहर 1 बजारी राजस्थानी खबर में आप सबरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा चुनाव ने लेर बनारस में आप नामांकन दाखिल कर प्रधानमंत्री रा नामांकन रे दौरान प्रस्तावक रा रूप में पंडित गणेश्वर शास्त्री भी मौजूद रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनारस से लोकसभा रो चुनाव लड़ रहा है अठे आखिरी चरण में 1 जून ने मतदान बेलो। रामलाल मोदी लोकसभा में स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। जयपुर रा स्कूल में बमरी धमकी वालो ईमेल रूस रा सर्वर शू किणी संदिग्ध आदमिका ने शू भेजो गयो है गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम बतायो कि 50 से 72 स्कूल ने मिलिया धमकी भरिया ईमेल में आपत्तिजनक भाषा रो इस्तेमाल करो गयो है। मंत्री बेडम बतायो कि सूचना मिलवा माते पुलिस सर्च अभियान चलार तलाशी लीनी जिणमाय कोई भी संदिग्ध चीज या सामग्री कोनी मिली। वणा कहो कि टेलिकॉम कंपनिया रे जरिए पुलिस ईमेल भेजवा वाला रो पतो लगा रही है। कोई रसिया से 55 विद्यालयों में मेल आए और उस मेल में आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया गया। जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई तो हमारी जयपुर की पुलिस तुरंत मुस्तैद पुलिस है और मौके पर भी गई और जिन जिन स्कूलों में मेल आने की सूचना मिली उनमें सब में सर्च किया गया। अभी तक मेरी जानकारी में है कि किसी भी स्कूल में कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है, ना कोई घटना दुर्घटना किसी प्रकार की हुई है। मुझे लगता है कोई सिरफरा व्यक्ति होगा जिसने लोगों में भय पैदा करने के लिए ऐसा एक कुंठित प्रयास किया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय भजनलाल शर्मा जी की सरकार है, हमारी पुलिस चुस्त दुरुस्त है, उसने डॉग स्क्वाड वगैरह लेकर के सर्च अभियान तलाशी लेकर के पूरा काम किया है। जयपुर बम ब्लास्ट री बरसी माथे जयपुर रा सांगानेरी गेट स्थापित पूर्व मुखी हनुमान मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा रो पाठ रो आयोजन करे गयो जिन में सगला समाज रा लोग बम धमाका में मारा गया लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर्या। कार्यक्रम में विधायक बाल मुकुंद आचार्य और भाजपा री नेता मंजू शर्मा समेत दूजा लोग भी मौजूद रहा। Yeah!
आज हनुमान चालीसा का जो पाठ किया गया है, इसका केवल एकमात्र उद्देश्य है कि हम सभी यहाँ सब मिलकर हनुमान जी महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं कि हनुमान जी महाराज उन दुष्टों को दंड दे और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए हमको शक्ति दे, सारा राष्ट्र एक हो सके और हनुमान चालीसा के माध्यम से, आज के माध्यम से यहाँ पर निरंतर पूरे शहर में और राजस्थान पूरे भारत में हनुमान चालीसा का निरंतर कार्य चलता रहे। सीकर रा श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज में भारतीय शिक्षण मंडल रा पचपना थरपना दिवस रा मौका माथे एक दिन री विजन फॉर विकसित भारत और शिक्षा माए रामत्व माथे राष्ट्रीय व्याख्यान माला राखेगी। कार्यक्रम रा खास वक्ता राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जयपुर रा प्रांत प्रचारक बाबूलाल कहो के भारत री विश्व माए सबसे ऊंची ठोर है। वणा कहो के जद देश रो हरेक युवा आपरो योगदान देलो जद भारत विकसित वेलो। कार्यक्रम में राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा विकसित भारत खातर हर एक नागरिक रा योगदान ने जरूरी बतायो। सभी मेडिकल के स्टूडेंट्स और युवाओं के लिए शोध लेखन की जो कार्यशाला आयोजित की गई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर भारत को विकसित बनना है तो हमें शोध की जो क्वालिटी है, जो उसका स्तर है, उसे हमें इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे पास में शोध पत्रों का नंबर भी बहुत कम होने के कारण जो हमारी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनका रैंकिंग बहुत अच्छा नहीं आ पाता है। इसलिए अगर हमें ये सब इम्प्रूव करना है, शोध की क्वालिटी इम्प्रूव करनी है, रैंकिंग हमारी इंस्टीट्यूशंस की इम्प्रूव करनी है, तो ये इस तरीके की कार्यशालाएँ होती रहनी चाहिए और उसमें हमारे युवाओं को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर इसका फ़ायदा लेना चाहिए। यह जो शोध पत्र लेखन प्रतियोगिता है, एक भाव है कि हम अपने भारत को कैसे विकसित देश ऐसा बनाएं। और यहाँ आज जो कार्यक्रम हुआ है इस महाविद्यालय में, वहाँ सभी विद्यार्थियों से हमने आह्वान किया है कि इसमें शोध पत्र लिखें, अधिक से अधिक पंजीयन करें। और जैसे पर्यावरण का विषय है, विधि एवं न्याय का विषय है, महिला सशक्तिकरण का विषय है, भारत की इतिहास की सही दृष्टि का विषय है, ऐसे अनेक 11 विषयों पर और 11 विषयों के 5-5 उप विषयों पर शोध पत्र वो लिखें और जो उनका विचार है, जो उनका थॉट है, उनका सुझाव है, वो इन शोध पत्रों के माध्यम से हम देश के सामने रखेंगे किस प्रकार भारत को हम विकसित देश बना सकते हैं। व्याख्यानों से मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों, साइंस कॉलेज के विद्यार्थियों, उनकी फैकल्टीज और अन्य जो हमारे चिकित्सा शिक्षक थे, उनका उत्साहवर्धन हुआ और उनको सोचने की एक नई दिशा प्राप्त हुई। भारत और ईरान रे बीच चाबहार बंदरगाह ने लेर 10 साल रा अनुबंध माते दस्तखतां रे पछे अब ईरा संचालन रो पूरो अधिकार भारत रे कने आ गयो है। भारत इन बंदरगाह ने लंबा टेम सु विकसित करतो आ रियो है। समझौता रे तहत भारत चाबहार बंदरगाह माए $37 करोड़ रो निवेश करेलो। सोमवार का दिन भारत और ईरान के संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इस दिन ईरान और भारत के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर एक बड़ा समझौता संपन्न हुआ। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश के मुताबिक आज हम लोगों ने हमारे चाबहार पोर्ट की लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में आज हम लोगों ने दस्तखत की है। और ये बहुत साल से बातचीत चल रहे थे, इतना दिन तक तो ये शॉर्ट टर्म के थे, तो इसलिए इस पोर्ट के भविष्य को मजबूत बनाने के सिलसिले में और रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, उस विजन को साकार करने के लिए आज ऐसे एक ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। इस समझौते को लेकर भारत के बंदरगाह और नौवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल सोमवार को तेहरान पहुंचे और वहां ईरान के अपने समकक्ष मंत्री के साथ एक विशेष बैठक की। बैठक में दोनों देशों ने चाबहार पोर्ट के विकास और पोर्ट को रीजनल कनेक्टिविटी के हब के तौर पर स्थापित करने को लेकर विस्तार से चर्चा की। चर्चा में इस बात को रेखांकित किया गया कि ये पोर्ट अफगानिस्तान, मध्य एशिया और बड़े यूरेशियन क्षेत्र के लिए भारत की प्रमुख संपर्क कड़ी के रूप में अहम साबित होगा। तेहरान यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन के बीच नए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर के गवाह बने। अनुबंध के तहत IPGL अनुबंध की अवधि के दौरान बंदरगाह को और अधिक सक्षम और संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। 10 साल की अवधि के अंत में दोनों पक्ष चाबहार में अपना सहयोग और बढ़ाएंगे। IPGL बंदरगाह को और अधिक सक्षम करने में लगभग $120 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा।
भारत ने चाबहार से संबंधित बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के मकसद से पारस्परिक रूप से पहचानी गई परियोजनाओं के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर क्रेडिट विंडो की भी पेशकश की है। ईरान में भारतीय दूतावास ने एक्स पर कहा है कि इस अनुबंध पर हस्ताक्षर के साथ ही हमने चाबहार में भारत की दीर्घकालिक भागीदारी की नींव रखी है। इस अनुबंध पर हस्ताक्षर से चाबहार बंदरगाह की व्यवहार्यता पर कई गुना प्रभाव पड़ेगा। चाबहार न केवल भारत का निकटतम ईरानी बंदरगाह है बल्कि समुद्र दृष्टि से भी ये एक उत्कृष्ट बंदरगाह है। इस कदम को भारत के लिए ईरान और मध्य एशिया में भू राजनीतिक पहुंच के रूप में देखा जा रहा है। ये पहली बार होगा जब भारत विदेश की धरती पर किसी पोर्ट का प्रबंधन अपने हाथों में लेगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर चाबहार भारत के लिए इतना अहम क्यों है, भारत को इससे किस तरह का लाभ होगा। दरअसल दोनों देशों के बीच इस समझौते से बड़े क्षेत्रीय प्रभाव पड़ेंगे। इससे साउथ एशिया से सेंट्रल एशिया के बीच ईरान के रास्ते एक नया ट्रेड रूट खुल जाएगा। चाबहार बंदरगाह को अफगानिस्तान, मध्य एशिया और बड़े यूरेशियन क्षेत्र के लिए भारत की प्रमुख संपर्क कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। इससे भारत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के साथ साथ चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी काउंटर करने में मदद मिलेगी। चाबहार को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे से जोड़ने की योजना है जो भारत को ईरान के माध्यम से रूस से जोड़ता है। ये बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान और अंततः मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान को बाईपास करने में सक्षम बनाएगा। चाबहार की वजह से पाकिस्तान के ग्वादर और कराची पोर्ट की अहमियत कम हो जाएगी। ग्वादर पोर्ट में चीन का निवेश है, ऐसे में पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी इससे गहरा झटका लगेगा। इतना ही नहीं, भारत ने ईरान में 213 किलोमीटर लंबी जारांस डिलाराम सड़क का काम भी पूरा कर लिया है। ये सड़क अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत से निकलती है। चाबहार बंदरगाह ईरान के सिस्तान प्रांत में पड़ता है। ये कई देशों के लिए व्यापार के प्रमुख केंद्र है, साथ ही ओमान और फारस की खाड़ी के भी करीब है। साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान चाबहार बंदरगाह को विकसित किए जाने को लेकर समझौता हुआ था। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि इस समझौते से दोनों देशों के आपसी संबंध और भी मजबूत होंगे। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में आया थोड़ा विक्षोभ रहा सरसू, कई ठोरा माते बिरखा अरोड़ा पड़बसु लोगों ने गर्मी से राहत मिली है। लारला 24 घंटा माए सिरोही जिला रा माउंट आबू, सीकर रा लोसल, टोंकरा मालपुरा और बीकानेर माए बिरखा रे साथ ओला पड़िया। इनके अलावा बाड़मेर, दौसा और गंगापुर सिटी समेत कई जिला माए बिरखा बीवी और बिरखा और दौर आज भी जारी रहलो। मौसम केंद्र जयपुर का निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि अबाड़ा 48 घंटा ने दौरान कोटा, जोधपुर और उदयपुर संभाग रा कुछ एक हल्का माए बादला गरजबा और तेज भाड़ रसा गए, हल्के सु मध्यम दर्जारी बिरखा होबारो अंदाजो है। आगामी 48 घंटों के दौरान दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, कोटा व जोधपुर संभाग के कुछ भागों में तीव्र मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं अचानक तेज हवाएं, हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसके अलावा हल्के से मध्यम बारिश और कहीं कहीं वज्रपात होने की भी संभावना बनी हुई है। इस सिस्टम का असर आगामी 48 घंटों तक खासकर दक्षिणी राजस्थान में रहेगा। शेष भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। दिनांक 16 मई से राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम अगले 3-4 दिनों के लिए पूरी तरह से ड्राई रहेगा। इसके अलावा अधिकतम तापमान में अगले 48 घंटों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी और 16 मई से राजस्थान में एक नया हीट वेव का स्पेल शुरू होगा। और आखिर में खास खबर एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव खातर बनारस में दाखिल करो आपरो नामांकन, अठे आखिरी चरण में 1 जून ने गलो मतदान। जयपुर रा स्कूल में बमरी धमकी वालो ईमेल भेजो गयो रूस रा सर्वर सु, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम कहो टेलीकॉम कंपनिया रे जरिए ईमेल भेजवा वाला रो लगायो जा रियो है पतो। जयपुर बम ब्लास्ट हुई बरसी माते सांगानेरी गेट रा पूर्व मुखी हनुमान मंदिर माए करो गयो सामूहिक हनुमान चालीसा रो पाठ, सगड़ा समाज रा लोग बम धमाका माए मारा गया लोगों ने अर्पित किया श्रद्धा सुन। चाबहार बंदरगाह ने लेर 10 साल रा अनुबंध माते दस्खतां रे पछे भारत ने ईरा संचालन रो मिलो अधिकार, भारत चाबहार बंदरगाह माए $37 करोड़ रो करेलो निवेश।
और प्रदेश में हाथोड़ा विक्षोभ रासर सू कई ठोरा माते भी बिरखार पड़िया होला। मौसम महकमू आबाला 48 घंटा के दौरान कोटा जोधपुर और उदयपुर संभाग में बादला गरज बारस आगे बिरखारो जताया अंदाज। इनरे साथ दोपहर 1 बजे री राजस्थानी खबर ठही पूरी हुई सा। सिंजा 5 बजे फिर राजस्थानी खबर में आपसू मुलाकात होसी। जब तक देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।